वाड़ी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक बहुत पुराने प्रतिबंधित तंबाकू तथा सुपारी बिक्री करने वाले व्यापारी पर खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा कार्रवाई करने से क्षेत्र के अन्य व्यापारियों में हड़कंप मच चुका है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे के दौरान खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा कंट्रोल वाड़ी के चर्चित व बहुत पुराने गुप्ता पान पैलेस पर रेड करने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जानकारी है कि गुप्ता पान पैलेस के संचालक आरोपी नीलेश नथुलाल गुप्ता उम्र 40 ये काफी लंबे समय से गुटखा एवं सुगंधित प्रतिबंधित तंबाकू की बिक्री करते आ रहे हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग के ललित सोयाम को इसकी जानकारी मिलते ही वाड़ी पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें सुगंधित तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, खर्रा ऐसे कुल मिलाकर 5,584 रुपए का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया। आरोपी नीलेश नथुलाल गुप्ता पर अन्य सुरक्षा व मानाधिक कानून 2006 की धारा 188, 272, 273, 328 अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। यह कार्यवाही खाद्य एवं औषधि विभाग अधिकारी ललित सोयाम, PSI गणेश मुंडे, PSI महेश घोड़के ने रेड मारकर मुद्दे माल जब्त कर लिया है। आगे की जांच वाड़ी पुलिस करी है। नॉर्कॉक्स मोबाइल वाड़ी श्री PSI घोड़के साहब आणि PSI श्री गणेश मुंडे साहब पोलीस स्टेशन वाड़ी यांच्याकडून मला प्राप्त माहितीच्या अनुषंगाने मी आणि पोलीस समूह वाड़ी यांनी गुप्ता पान शॉप, सब्जी मार्केट, कंट्रोलवाड़ी या पानठेल्याला भेट दिली आणि त्या पानठेल्याची तपासणी केली असता त्या पानठेल्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाद्वारे प्रतिबंधित केलेला पान मसाला, खर्रा आणि सुगंधित तंबाखूचा साठा आढळला। तर तो सर्व साठा मी जप्त करून माझ्या ताब्यात घेतला, त्याच्यातले अन्न नमुने काढले आणि उर्वरित 5,584 रुपयाचा सुगंधित तंबाखूचा, खर्रा आणि पान मसाल्याचा साठा मी जप्त करून आपल्या ताब्यात घेतला। त्याच्यानंतर पोलीस स्टेशन वाडी येथे येऊन आरोपी विरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत तसेच भारतीय दंडविधान चे कलम 188, 272, 273 आणि 328 अंतर्गत FIR दाखल केलेला आहे। पुढील तपास पोलिसांद्वारे केला जाणार आहे। NBC न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।